देखने वाले दर्शकों को मीनू शर्मा का नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप और हम, ये एक अनोखा मंच है जो कि मनोविज्ञान का मंच है। इस मंच से हम मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि साथियों, घर और समाज में मनोविज्ञान से संबंधित बात ही नहीं की जाती, क्योंकि हम सबको एक भ्रम है कि मनोविज्ञान का अर्थ जन्म से होने वाली मानसिक बीमारी का है, जबकि मनोविज्ञान का अर्थ है कि हम अपने मन की बात को वास्तविक रूप में समझें और व्यक्ति और समाज के प्रति एक सकारात्मक सोच का सहज निर्माण करें। आप और हम में आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो तरह के स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होते हैं, एक है शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति तो सभी जागरूक होते हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य को हम अनदेखा कर देते हैं और ये सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और यही समय हमें हमसे ही इतना दूर ले जाता है कि हम सोचने लगते हैं, काश हमने अपने मन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया होता। आइए इस अनोखे और रोचक विषय पर हम चर्चा करें मिलकर, आप और हम। और चर्चा में साथ देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारी आप और हम की विशेष टीम के सदस्य मिसेज मीनाक्षी बंसल। आप एक काउंसलर होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेशनिस्ट भी हैं। और मीनाक्षी जी के साथ ही आमंत्रित हैं यूथ ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर मिस्टर कमलनीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे इस कार्यक्रम में। मीनाक्षी जी, मैं कार्यक्रम आपसे आरंभ करना चाहूंगी एक बहुत ही आधारभूत प्रश्न से कि हम शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात करते हैं, इसे समझते हैं और सभी जानते हैं कि किस तरह से हम शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है वहां हम थोड़ा सा चूक जाते हैं। तो आज हमारे इस मंच से हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगी, क्या है मानसिक स्वास्थ्य? देखिए मीनू जी, मैं कहना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा स्वास्थ्य है कि आप मन से परेशान नहीं है और अपनी डेली लाइफ की हर एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आपको ये पता है कि मेरी लाइफ में जो भी परेशानी है मुझे उसको कैसे हल करना है जी। आपको पूरी तरह से एक्टिव फील करते हैं और ये देखते हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो आती है परेशानी, उसको अपने आप से हल कर पाते हैं जी। तो हमारी सोच घर परिवार और कार्य क्षेत्र में किस तरह की हो कि हम समझे कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा जो है सबल है? हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि कोई भी अगर परेशानी लाइफ में आई है तो हम उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे, और अगर हम किसी चीज को नहीं हैंडल कर पा रहे तो किसी से बात करके उसके समस्या का हल निकालेंगे, ना कि हम परेशान हो और उस चीज को परेशानी की तरह समझकर लाइफ में रुक जाएं। जी, लेकिन मीनाक्षी जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ा जाते हैं हम, तो हमें उसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, बुखार है, खांसी है, इस तरह के डायग्नोसिस भी हैं हमारे पास, लेकिन अगर मन में कोई बात हो, यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, तो इसके क्या हम इसको किस तरह से मापेंगे, क्या इकाई हो सकती है मानसिक स्वास्थ्य को देखने की? मीनू जी, मानसिक स्वास्थ्य को नापने के लिए हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि हम देखेंगे कि हमारा व्यवहार कैसा है जी। कोई भी जो इंसान है, अगर उसके व्यवहार में नॉर्मल इंसान के व्यवहार से कुछ भी परिवर्तन आता है, तो ये एक हमारे लिए इंडिकेशन है कि आप नॉर्मल नहीं है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कि जैसे आप ज्यादा खाना खा रहे हैं या बहुत कम खाना खा रहे हैं, या बहुत चिंता में है तो ज्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, आपको कोई डर परेशान कर रहा है, आप किसी सिचुएशन में बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं थोड़ी सी परेशानी आते ही, या हमारे घर में हम कोई काम करते हैं और अगर हमें सफाई का ज्यादा वहम आ गया है कि हमें लगता है कि हमने अभी घर साफ किया है, बच्चा चादर पे आकर बैठा है और उस पर कोई सलवट आ गई है, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, या हम सफाई की तरफ इतना ध्यान देते हैं कि हम अपने बाकी काम नहीं कर रहे हैं ध्यान से, या रात को सो ही नहीं रहे हैं टेंशन की वजह से। तो ये एक आपके लिए सूचना है, इंडिकेशन है कि आप जो है परेशान है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हो सकता है जी, ये उसकी शुरुआत है और आपको इसके लिए बात करनी चाहिए। यानी कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो हमें ये मानना होगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है गड़बड़ा रहा है। हाँ जी मीनू जी, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि ये इतने डर की बात नहीं है। जैसे एक नॉर्मल अगर हमें खांसी या जुखाम होता है या बुखार होता है तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा भी परेशान हैं और अपनी परेशानी किसी से बांट नहीं पा रहे हैं,
अपने आसपास, तो हमें उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काउंसलर से बात करने का अर्थ यह है कि हम अपने मन की बात किसी से शेयर कर रहे हैं ताकि उससे हमें समस्या का हल मिले, और समस्या का हल ना भी मिले लेकिन अगर मन हल्का होता है तो हमें ये समझ आता है कि लाइफ वहीं पर खत्म नहीं होती है, लाइफ में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, उस अपनी चिंता को कम कर सकते हैं जी, अपने मन को हल्का कर सकते हैं जी। या मैं कमलनी जी आपसे जानना चाहूंगी कि हम अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहता है, ऊंचे आयाम छूना चाहता है जी। तो एज आप यूथ ट्रांसफॉर्मर स्पीकर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से कार्य क्षेत्र में हम अपना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें? जी देखिए, एक रिसर्च ने ये कहा है कि एक इंसान को दिन में लगभग 50,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं। 50-60,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। 50-60,000 थॉट्स आते हैं, और एक रिसर्च ये कहती है कि लगभग 70% जो हमारे थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं या तो नेगेटिव हैं या उनकी जरूरत नहीं है। अगर हम ये नंबर लेके चलेंगे, इतना बड़ा नंबर है, और अगर हम 70% हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमें अपने मेन ऑब्जेक्टिव से ड्रिफ्ट करता है। तो वहां पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बहुत छोटा सा, कि अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान अच्छा ऊंचाइयां छूना चाहता है, तो अगर आप ये लेके देखिए कि अगर हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो एक मैग्नेट है, और जो सक्सेस है वो एक आयरन बार है। जी जी। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही सक्सेस को अपने पास आप अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। लेकिन कमल जी, जीवन है तो सुख है दुख है जी, इसी तरह से कार्य क्षेत्र है तो समस्याएं भी होंगी। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हम पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या कहना चाहेंगे? क्या हम ये समझ लें कि समस्या है ही नहीं, लेकिन समस्या तो है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाए रखें? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा ये सवाल पूछा है। देखिए, रतन टाटा जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि अगर आप ईसीजी पे देखें तो लाइफ में उतार चढ़ाव जो है हमें बिल्कुल दिखते रहते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन का जो मतलब है वो एक अंत है जो कि हम नहीं देख रहे हैं। राइट नाउ, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक प्रोफेसर ने एक क्लासरूम में आके करीब 30-35 बच्चों को कहा कि आज मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ। तो अब बच्चे जो है सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार नहीं थे, तो ये सुनते ही बच्चे थोड़ा सा घबरा गए कि सरप्राइज टेस्ट। तो किया क्या प्रोफेसर ने, उन्होंने एक पेपर दिया बच्चों को, सभी बच्चों को एक पेपर पकड़ा दिया और कहा कि आपने ये पेपर अभी देखना नहीं है, जब मैं आपको कहूंगा कि आपने ये पेपर पलटाना है तब आप पेपर पे देखेंगे कि क्या सवाल हैं और आपने उसके उत्तर देने हैं। तो सभी बच्चों को एक साथ कहा गया कि आप पेपर को पलटिए। तो जैसे ही सभी बच्चों ने इस पेपर को पलटा तो देखा बीचों बीच, पेपर के बीचों बीच एक ब्लैक डॉट बना हुआ था। तो बच्चों ने ब्लैक डॉट की तरफ देखा और फिर प्रोफेसर की तरफ देखा, तो बच्चे काफी कंफ्यूज्ड हो गए। जी जी। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, आप जो देख रहे हैं पेपर पे आप वो लिखिए। तो बच्चों को टाइम दे दिया गया लिखने का, तो बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। तो करीब 5 मिनट के बाद प्रोफेसर ने क्लास में चक्कर लगाया और देखा बच्चों ने क्या लिखा है। तो उसके बाद प्रोफेसर साहब ने सभी पेपर्स जो हैं लेके उनमें जो जो लिखा हुआ था वो सभी बच्चों को बयान किया कि बच्चों ने क्या लिखा है। आप मानेंगे नहीं, सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने उस पेपर के बीचों बीच जो काला डॉट था, जो ब्लैक डॉट था, उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये ब्लैक डॉट कितना बड़ा है, ये पेपर पे इसकी लोकेशन क्या है, ऐसे कितने काले डॉट्स और आ सकते हैं। तो जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कराए और वो बोले कि ये आपका टेस्ट नहीं था, मैं ये देखना चाह रहा था कि आप कैसा सोचते हैं। नाउ उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखिए, जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं, सभी बच्चों ने पेपर पे सिर्फ उस काले डॉट के बारे में लिखा, किसी बच्चे ने उस डॉट के आसपास की जो सफेदी थी, जो आसपास की जो सफेदी थी, उस सफेदी के बारे में किसी ने ना बोला और ना ही कुछ लिखा। तो जीवन में हम कुछ इस तरह की गलतियां कर जाते हैं अगर अमुक व्यक्ति या अमुक घटना पर हम जो उसके नकारात्मक जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा, हम उस पर फोकस कर जाते हैं। हम जो उस स्थिति, उस व्यक्ति की जो सकारात्मक या पॉजिटिव क्वालिटीज है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। या फिर कभी शायद हम ऐसा भी कर जाते हैं कि हम ज्यादा
प्रेशर, जैसे 10 में से अगर 7 सकारात्मक है तो 7 छोड़कर उस 3 नकारात्मक पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं। शायद यही हमारे जीवन की एक समस्या है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात तो करते हैं, हम सकारात्मक दृष्टिकोण की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं हम भूल जाते हैं, जैसा कि कमलनीत जी ने कहा कि जीवन है तो उतार चढ़ाव होने ही है, तो इन उतार चढ़ावों से घबराना नहीं है, इन्हीं के बीच अपना संयम कहीं बनाए रखना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कमलनीत जी आपने जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक फिर से एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, आप और हम के मन से वो क्या मंत्र है कि हम कैसे खुश रहे हैं, आपने कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखें जी। मंत्र आपने अच्छा किया कि आपने मंत्र पूछा, क्योंकि इसी इस प्लेटफॉर्म को लेके हम एक बहुत ही बड़ा एक आइडिया जो है, एक बहुत मैसेज, कॉमन मैसेज है बट ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमने 10 किलोमीटर जाना है या अगर हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो हम जब 5 कर लेते हैं तो वहां पहुंच के हम कहते हैं अरे बाबा अभी 5 और भी बचा है। हम ये नहीं देखते हैं कि 5 हमने जो है कवर कर लिया है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो रही बात मंत्र की, एक ये बहुत ही पावरफुल एक मैसेज है और एक बहुत पावरफुल एग्जांपल है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, AOG जिसको कहते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एक लाइफ चेंजिंग मंत्र है। अगर हम एक चीज को समझ लें तो हमारी लाइफ जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल जाएगी। हम सुबह उठते हैं, जनरली देखा क्या गया है कि हम हर चीज जो हमारे पास नहीं है या जो ठीक नहीं है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आप देखिएगा, आप फंक्शंस में जाते हैं और जिसके फंक्शन पे आप गए उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे होते हैं, लेकिन अक्सर सुना क्या जाता है कि जब आप फंक्शन से बाहर निकल रहे होते हैं तो आजू बाजू अगर आप देखते हैं तो लोग कह रहे होते हैं दाल में नमक कम था। जी। तो वो ये नहीं देखते हैं जो इतने सारे पकवान थे उनका स्वाद कितना था, लेकिन दाल में नमक कम की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को कम्प्लीटली ऑल्टर कर सकती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जब सुबह उठते हैं, अगर हम सुबह पहली बार जब हम सुबह उठते हैं और हम जमीन पे पैर रखें तो हमें वो शुरू ही अपने दिन की शुरुआत थैंक यू से करनी चाहिए। क्या बात, बहुत ही सुंदर जी। हमारे जो एक हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स जो हमें बताता है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इस टाइम करीब 7.6 बिलियन है, करीब 760 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। और एक सर्वे ये कहता है कि रोज सुबह 1 मिलियन अबाउट 10 लाख लोग नहीं जागते हैं रोज सुबह। ये हैरानी की बात है, जब मैंने सुना तो मैं काफी हैरान था। मुझे लगता है कि सुबह उठते सार ही पहले तो हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, दैट टुडे आई एम अलाइव। बिल्कुल, यहाँ मुझे याद आता है कि हाल ही में फिल्मी जगत की एक जो नामी हस्ती हैं श्रीदेवी जी, उनका जो दुखद निधन हुआ है वो शायद कुछ इसी तरह से आप कनेक्ट करते हैं कि अगली सुबह अगर हम देख रहे हैं तो हमें हमारे ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनसे हमें जो भी मिलता है सकारात्मक हो, वो हो सकता है हमारे अनुभव हमारी अपेक्षाओं के साथ जो इसका तारतम्य नहीं है या मैच नहीं करता, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे आसपास सुंदर चीजें हैं, तो ये आभार व्यक्त करना बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज आपने इस मंच से दिया। मैं आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में शारीरिक और मानसिक तनाव इतना बढ़ने लगा है कि सुविधाओं के इस चमचमाते संसार में हर व्यक्ति के जीवन से और मन से शांति और संतोष कहीं खो से गए हैं। हमारे अपने व्यक्तित्व और इसका नाजुक रिश्तों पर इतने हमारी सोच का गहरा असर पड़ने लगा है। साथियों, समय आ गया है कि हम कुछ पल रुकें, रुकें और सोचें कि आखिर प्रकृति की इस दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बहुत ही छोटा सा है, कहीं मत जाइएगा, लेकर आते हैं आपका मन पसंद कार्यक्रम आप और हम। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। करियर और काउंसलिंग के इस सेगमेंट में आप हमारे बीच मौजूद हैं फिटनेस एंटरप्रेन्योर, विमेन एंड किड्स फिटनेस स्पेशलिस्ट एवं आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपिस्ट मिस्टर अभिषेक जैन, और उनके साथ आमंत्रित हैं मिसेज ज्योति जैन।
बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों विशेषज्ञों का आप और हम के इस मंच पर करियर और काउंसलिंग के इस सेगमेंट में। आज हमारी चर्चा का विषय जो चल रहा है वो है मानसिक स्वास्थ्य, और ऐसे में फिटनेस ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज फिटनेस ट्रेनर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं वो क्यों जाएं इस तरफ, इस करियर को क्यों जो है वो अपनाएं। तो मैं इस सवाल का जवाब आपको एक इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहता हूं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज के समय में। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी हेल्थ जी। तो ये एक हर एक एज ग्रुप की नेसेसिटी है, चाहे वो किड हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, तो ये एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये करियर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमेन है। बिल्कुल, समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा या जवान, सभी के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होता है जी। बिल्कुल, तो इस तरह से जो आपका कार्य क्षेत्र है वो उसका काफी विस्तार हो चुका है जी। जी, तो आप हमारे दर्शकों को ज्योति जी क्या बताना चाहेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हो कि जो हमारा युवा है एज फिटनेस ट्रेनर काम कर सके। जैसे कि हम फिटनेस ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जी, जी। तो किसी भी स्ट्रीम का पर्सन जो है वो इसको ऑप्ट कर सकता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो। दैट इज नॉट स्पेसिफिक कि आप अगर एक इंजीनियर बन गए हैं तो आप एक फिटनेस ट्रेनर नहीं बन सकते हैं जी, जी, जी। आप बिल्कुल बन सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं आपके, लाइक योर जुम्बा, पाउंड प्रो, योगा कोर्सेज हैं। इनफैक्ट हमारा खुद का स्टूडियो, हम 100 आवर्स और 200 आवर्स के सर्टिफिकेशन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो प्रोग्राम हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जिसमें कि हमारे स्टूडियो से ही योगा ट्रेनर्स निकलेंगे और जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी उनको काफी मिलेंगे आगे। जो वुमेन जो हैं आपके हाउसवाइफ्स हैं जिनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो अगर वो ये सर्टिफिकेशन करती हैं तो वो किसी स्कूल में भी जॉब कर सकती हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में भी जा सकती हैं जॉब के लिए। तो ये उनके लिए एक बेसिकली एक बेनिफिट हो जाएगा। ज्योति जी, मैं देख रही थी आपके डेजिग्नेशन में आपने खास तौर पर लिखा है कि फिटनेस ट्रेनिंग फॉर विमेन एंड किड्स, तो महिलाओं और बच्चों पर आप विशेष रूप से ध्यान देते हैं, इसका क्या कारण है? महिलाओं पे बेसिकली इसलिए हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आप सब लोगों ने नोट डाउन किया होगा कि वुमेन का वेट इंक्रीज हो जाता है, घर में रहने की वजह से थोड़ा सा इरिटेशन बढ़ जाती है, डिप्रेशन होता है, ये सब स्ट्रेस वगैरह बढ़ने लग जाता है। जैसे ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी, क्या होता है कि एक फील गुड फैक्टर हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं हमारे, और जब वो फिजिकल एक्टिविटी करती हैं तो वो हम इंटेंशनली फील गुड फैक्टर्स केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं। तो उससे उनका मूड जो है, मूड स्विंग्स है वो रिड्यूस होते हैं, आपके स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ऑब्वियसली बात है इससे उनकी फैमिली लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी खुद की हेल्थ अच्छी है तो वो बच्चों के ऊपर भी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जो है फिटनेस ट्रेनिंग से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का भी जो है योगदान होता है, साथ ही साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे स्ट्रेस, हमारे डिप्रेशन, और आपस में परिवार के साथ जो अगर कहीं नकारात्मक सोच भी आ गई है तो वो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो उसी बहाने हमारा जो है मन वो भी स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और महिलाओं और बच्चों पर ध्यान देकर विशेष रूप से जो है इस ट्रेनिंग के अंदर, मुझे लगता है कि इस तरह से इसका कार्य क्षेत्र भी और अधिक विस्तार इसका होता है जी। बहुत अच्छी बात है। तो जी अभिषेक जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि इस कार्य क्षेत्र में कि जो है सक्सेस के आयाम को आप कहाँ जोड़कर देखते हैं, कितना जो है इसको करियर को कहाँ तक आगे लेकर जा सकते हैं हम? देखिए, इस करियर की सबसे ब्यूटी, बड़ी ब्यूटी यही है कि इसको किसी, जैसे ज्योति जी ने बताया अभी आपको, कि किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति इसको ऑप्ट कर सकता जी, है। मोर ओवर इसको हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। मैं इसको आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि आई एम वर्किंग आईटी प्रोफेशनल, आई एम डूइंग एज ए पार्ट टाइम एंड शी इज डूइंग एट ए फुल टाइम। तो सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसको हम किसी भी मोड में कर सकते हैं। जो हाउसवाइफ है वो अपने बच्चों के, जनरली हाउसवाइफ अपनी जॉब छोड़ देती है जो पोस्ट प्रेगनेंसी, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उनको अपने बच्चों को समय देना होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने टाइम के अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर एक बात मन में आती है अभिषेक जी, कि कहते हैं ना कि आज इस दौड़ती भागती दुनिया में जो है आज हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, हाँ गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो लेकिन एक चीज नहीं है, वक्त। वक्त बहुत कीमती हो चुका है, और फिटनेस ट्रेनिंग लेने, ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए जो ये वक्त निकालना पड़ता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से कैसे जो है जूझा जाए? देखिए, इस आज के समय में मैं ये कहना चाहूंगा
कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विस्तार हो चुका है टेक्नोलॉजी का कि हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में आपको अगर फिटनेस को अगर आपको ऑप्ट करना है तो आपको ये महंगे जिम्स में ही या आपको अपने वर्क स्पेस को छोड़ के जाकर ही आप कर सकते हो। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमने एक चेयर योगा का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल हूं तो मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि जैसे हमें साथ साथ आठ आठ घंटे लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, प्रेशर बहुत है, हर एक डोमेन में डिलीवरेबल्स का प्रेशर है, सेल्स टारगेट का प्रेशर है, लीव्स का प्रेशर है, एजुकेशन का प्रेशर है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी इस कीमती समय में से अगर हम 15 मिनट निकालें अपने लिए, तो ये 15 मिनट का जो चेयर सेशन योगा है 15 मिनट में भी आप इसको अपने घर पे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से हम इसमें फ्री वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, तो उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है इसमें कोई टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा है, इसे एक बार अगर एक व्यक्ति कर ले तो उसे दोबारा रिपीट कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईमेल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा इसको सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आज आप और हम के मन से एक मोटिवेशनल मैसेज हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? जी धन्यवाद। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा सांस लेना जरूरी है, बिना सांस के हम नहीं जी सकते, उसी तरह से हमें आज अपने आप से ये वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, बट हम अपने इस कीमती समय से अपनी फिटनेस के लिए जरूर समय निकालें। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन स्वस्थ होगा, और अगर आपका मन स्वस्थ होगा तभी आपके रिश्ते खूबसूरत बनेंगे, आप अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हो, और हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, फिटनेस। क्या बात है, बिल्कुल। यहाँ से दर्शकों को सीधे सीधे एक संदेश जाता है, कार्य क्षेत्र में, मीटिंग में 8 की बजाय 10 घंटे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने शरीर के लिए, थोड़ा सा वक्त अपने मन की शांति के लिए हमें जरूर निकालना चाहिए। बहुत ही सुंदर संदेश दिया है आपने, धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ से लेते हैं साथियों एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक नहीं दो दो कलाकारों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक सेगमेंट में। आज हम एक नहीं दो दो कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। अभी स्टूडियो में आमंत्रित हैं मिस स्वाति शर्मा, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। स्वाति जी, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक अद्भुत कला से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी, क्या है मेकअप आर्टिस्ट होना? देखो, मेकअप आर्टिस्ट होना एक बहुत ही अच्छा कला है, ठीक है। इसमें आपको एक ब्यूटीफाई करना होता है किसी भी एक इंसान के जो भगवान ने फीचर्स दिए हैं, उसमें आपको अपना ब्रश घुमाना होता है। जी। जैसे कि एक कलाकार होता है, पेंटर होता है, उसके लिए एक पेपर कैनवस होता है, तो ऐसे ही हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक फेस कैनवस होता है। जी। तो हमारा उसमें अब क्या, उसमें क्रिएटिविटी करते हैं कि जो उनके गिफ्टेड फीचर्स हैं उनको एनहांस करना, उनकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस को ग्रूम करना, ये एक मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है। तो इस कला से आप कितने समय से जुड़ी हुई हैं? मुझे अभी 3 इयर्स ही हुए हैं। मैं अभी नहीं कहूंगी अपने आप को इसमें, लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है। बचपन से मुझे क्रिएटिविटी का, ड्राइंग का, पेंटिंग का और मेकअप का शौक रहा है। तो उसमें मैं हमेशा से इसी लाइन में ही आगे करना चाहती थी, कुछ अपना नाम कमाना चाहती थी। तो मैंने अपनी जो मेरी कला थी पेंटिंग की, ड्राइंग को, उसको मेकअप आर्टिस्ट के रूप में मैंने अपना एज अ करियर चूज करा, और अब इसमें मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूं। जी जी, बहुत सुंदर। यानी कि जब आप कैनवस की जगह एक व्यक्ति के ऊपर अपना ब्रश जो है घुमाती हैं, उसको कलात्मक रूप देती हैं, तो वो आंखें, वो चेहरा, वो नयन नक्श एक सुंदर रूप ले लेते हैं। क्योंकि क्या है, भगवान ने जो हमें फीचर्स दिए उसको तो हम नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन उसको हम खूबसूरत कर सकते हैं, तो वही एक कलाकार कर सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत कला है, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आपकी इस कला का थोड़ा सा उदाहरण दिखाया जाए कि किस तरह से आप इस पर काम करती हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्राइडल जैसे किया है, आप इसमें दोनों पिक्स देखेंगे, आप एक बिफोर देखेंगे और एक आफ्टर। जी। जब वो मेकअप से पहले है, उनके क्या फीचर्स है, उनमें क्या है कमियां है, और मेकअप के बाद, तो आप देखेंगे पूरा उनका जो पर्सनालिटी है वो पूरा चेंज हो गया है। बिल्कुल। मतलब पहले आप देखेंगे नॉर्मल, यू नो, आप नेक्स्ट टू डोर गर्ल लग रही है वो, और जब मेकअप हो गया तो एक
यू नो एक रानी राजकुमारी जो अपने राजकुमार के लिए तैयार हुई क्या है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वो वैसी नजर आती है, तो वो एक क्योंकि हर ब्राइडल है तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत ही अलग क्रिएटिविटी करनी पड़ती है और हर फेस का अलग काम होता है। बिल्कुल, हर हर पेज पे से आप एक सेम ड्राइंग नहीं कर सकते, तो हर एक फेस पे आप सेम मेकअप नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। तो ये वही कला ही, एक कलाकार ही इस चीज को जज कर सकता है कि इस फेस पे ये आईब्रो शेप जाएगी, जी, जी। ये कलर उठाना है, ये आईलाइनर की शेप देनी है, यहाँ पे चीक बोन उठाना है, जी, जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मेकअप आर्टिस्ट का बेसिकली। तो आपका सारा दिन जो है बहुत अच्छे से मन लगा रहता होगा कि आज मैंने इन आंखों को ये शेप देनी है, इस चेहरे को ये आकार देना है। बहुत खुशी भी मिलती है बेसिकली। क्या होता है जब आप करते हो, सामने वाला खुश होता है कि वाओ आपने मुझे क्या बना, लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक अलग खुशी मिलती है, एक काम जो करती हूँ मैं उसकी खुशी तो है ही। निश्चित रूप से जो व्यक्ति आपके स्टूडियो में आते हैं, आप उनको एक कलात्मक रूप देकर उनका चेहरा और उनकी पर्सनालिटी में एक विशेष निखार ले आती हैं। स्वाति जी अपनी इस कला से कितना खुश है, उनके मन को किस तरह से ये कला छू कर निकलती है? खुशी तो आप मेरे चेहरे पे ही देख सकते हो, आंखें सब बयां करती हैं। तो खुशी तो मैं बहुत हूँ क्योंकि जिसका सपना हो बचपन से कुछ बनने का और वो बन जाए तो उससे ज्यादा खुश तो मेरे को लगता नहीं है पूरी दुनिया में कोई होगा। बिल्कुल, सपने तो, सच हो जाएं, इससे हसीन, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपने इतनी खूबसूरत कला का प्रदर्शन हमारे दर्शकों को दिया और साथ ही निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को एक यह भी समझ में आया होगा कि अगर वो ड्राइंग में अच्छे हैं, अगर वो पेंटिंग कर सकते हैं तो वह भी एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है जी, जी। कि आप बीकॉम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सेक्शन का, किसी भी उसका स्ट्रीम का बच्चा इस लाइन में आ सकता है। बस वो एक कलात्मक दृष्टिकोण, आपका एक पाथ होना चाहिए कि मुझे इस रास्ते पे जाना है और कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, उसके लिए मैं ओके हूँ कि मैं इसको क्लियर करूंगा और आगे सक्सेसफुल होगा। क्या बात। तो अगर किसी के मन में ये है डेडिकेशन तो आए इस फील्ड में और मजे लें और अपनी कला का भरपूर इस्तेमाल करें और खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दें और अपने मन को भी जो है बेहद। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है दूसरों को खुश करने का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत कला का प्रदर्शन हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू। तो आइए साथियों आगे चलते हैं, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारे अगले कलाकार से मिलने का समय आ चुका है और वह एक गायक, मिस्टर लक्ष्य सचदेवा। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य आपका आप और हम के इस कलात्मक मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, आप एक गायक हैं जी और एक गायक का संगीत के साथ, उसके सुरों के साथ एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता बन जाता है जी। बिल्कुल। तो लक्ष्य का संगीत के साथ रिश्ता किस तरह से है? मेरा संगीत के साथ जो रिश्ता है वो वैसे तो बचपन से ही है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग संगीत सुनना शुरू करते हैं और शुरू से ही मुझे हमेशा से म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है और मतलब पढ़ाई, स्पोर्ट्स, हर चीज से हटकर हम लोगों ने ये किया है कि संगीत को पहले रखा है और बाद में बाकी चीजों को। तो हमेशा से गाते बजाते भी आए हैं और सीखते हुए भी काफी टाइम हो गया है, तो यही हमारा रिश्ता रहा है। और फिर धीरे धीरे जैसे कुछ चीज हम सीखते जाते हैं तो उसमें हमारे को रुचि भी आती है, तो वो रुचि फिर और बढ़ते बढ़ते कब पैशन बन गई और कब वो प्रोफेशन बन गई ये पता ही नहीं चला और इस तरह से सफल। तो लक्ष्य गायकी की कला के साथ साथ क्या आप शिक्षा भी ले रहे हैं? जी मैं इस वक्त गायकी की भी शिक्षा ले रहा हूँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सीख रहा हूँ। मिस्टर लालचंद्र सिंह जी मेरे गुरु जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वही हैं जिनका मैं जिनकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ। और साथ में मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, वकालत सीख रहा हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ। तो जी, तो वकालत और गायकी, इन दोनों का अनूठा संगम आज आप और हम के मंच पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगी लक्ष्य आप एक प्रस्तुति अपनी गायकी की हमारे दर्शकों के सम्मुख रखें। जी बिल्कुल। सावन बीतो जाए पिहरवा, सावन बीतो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए
परदेस पिया तुम ऐसो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना क्या बात है बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर लक्ष्य आबरम के मंच से आप अपने गुरुजी को कुछ कहना चाहोगे मैं इस मंच से गुरुजी आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं म्यूजिक को ना सिर्फ एक पैशन पर एक प्रोफेशन की तरह जी रहा हूँ और इसी से मैं जो भी हूँ मेरी जो भी पहचान है वो म्यूजिक के द्वारा ही म्यूजिक की वजह से ही मेरे पास है और वो म्यूजिक जो है वो आपके आपकी वजह से मेरे पास है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ताउम्र हम गुरुओं के अपने आभारी रहते ही हैं और बिल्कुल रहेंगे तो बस गुरु और शिष्य का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत है और साथ में संगीत के साथ इसके जो रिश्ते में चार चांद लग जाते हैं जी बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका आप हमारे इस मंच पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी खूबसूरत कलात्मक प्रस्तुति दी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मनुष्य को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की ताकत जज्बा और विवेक होता है मनुष्य के सर्वांगीण विकास और सफलता का मूल मंत्र है कि परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल संयम एवं सकारात्मक सोच बनाए रखें आभार व्यक्त करें चेहरे खुद ब खुद खिल जाएंगे जीवन को ऊंचे आयाम खुद ब खुद मिल जाएंगे इसीलिए साथियों सुख हो तो मत कीजिएगा गुरूर दुख हो तो सब्र करना जरूर क्योंकि यह पल नहीं है आखिरी मंजिले मुकाम और भी बाकी हैं जरा सा दुख हो गया तो क्या खुशियों उमंगों का आसमान अभी बाकी है इसी विचार के साथ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मनोविज्ञान के ज्ञान और कला का अनूठा संगम विशेष कार्यक्रम आप और हम नमस्कार